हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लॉस्ट इन स्टडीज। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्लास 7th के साइंस के चैप्टर वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में किए थे, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में भी हम उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और गाइस, अगर आपने अभी तक इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहां पर जाके भी उसे देख सकते हैं, क्योंकि गाइस वो वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। और गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी आगे आने वाली और भी ऐसी वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट के बोनस क्वेश्चन का आंसर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ आर बोनस क्वेश्चन इज डी, 22 मार्च। सो गाइज, 22 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे। तो चलिए दोस्तों, अब आज की अपनी क्विज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। हाउ मच परसेंट ऑफ वाटर इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ? एंड द ऑप्शंस आर ए 0.1%, बी 0.01%, सी 1% एंड डी 0.001%। सो गाइज, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइज। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी 0.01%। सो गाइस, 0.01% ऑफ वाटर इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्वड इन वाटर साइकिल? एंड द ऑप्शंस आर ए कंडेंसेशन, बी इवेपोरेशन, सी इरिगेशन एंड डी ट्रांसपिरेशन। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी इरिगेशन। सो गाइस, इरिगेशन इज नॉट इन्वॉल्वड इन द वाटर साइकिल। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड? एंड द ऑप्शंस आर ए कंडेंसेशन, बी ट्रांसपिरेशन, सी प्रेसिपिटेशन एंड डी इवेपोरेशन। सो गाइज, इफ यू नो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन देन यू कैन टेक्स्ट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए कंडेंसेशन। सो गाइज, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4th आपकी स्क्रीन पर। वाटर फाउंड्स इन विच फॉर्म ऑन द अर्थ? एंड द ऑप्शंस आर ए सॉलिड, बी लिक्विड, सी गैसियस एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ऑल ऑफ दीज। सो गाइस, वाटर फाउंड्स इन ऑल द फॉर्म्स व्हिच आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। द स्नो एंड आइस प्रेजेंट एट द पोल्स ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ? एंड द ऑप्शंस आर ए सॉलिड, बी लिक्विड, सी गैसियस एंड डी none of these। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए सॉलिड। सो गाइस, द स्नो एंड आइस प्रेजेंट एट द पोल्स ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड।
तो चलिए दोस्तों बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, एंड हेयर इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। द प्रोसेस ऑफ ग्राउंड वाटर गेटिंग स्टोर्ड बिटवीन द लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल इज नोन एज, एंड द ऑप्शंस आर ए इन्फिल्ट्रेशन, बी वाटर टेबल, सी एक्वीफर एंड डी बावरी। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर आता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी एक्वीफर। सो गाइस द प्रोसेस ऑफ ग्राउंड वाटर गेटिंग स्टोर्ड बिटवीन द लेयर्स ऑफ द हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल इज नोन एज एक्वीफर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7th आपकी स्क्रीन पर। नेम द प्रोसेस ऑफ रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर बाय यूजिंग रेन वाटर, एंड द ऑप्शंस आर ए बावरी, बी वाटर हार्वेस्टिंग, सी इन्फिल्ट्रेशन एंड डी ड्रिप इरिगेशन। सो गाइज अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइज, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी वाटर हार्वेस्टिंग। सो गाइज वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर बाय यूजिंग रेन वाटर। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हेयर इज द क्वेश्चन नंबर 8th ऑन योर स्क्रीन। द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड, एंड द ऑप्शंस आर ए एक्वीफर, बी बावरी, सी इन्फिल्ट्रेशन एंड डी वाटर टेबल। सो गाइज इफ यू नो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन देन यू कैन टेक्स्ट मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी वाटर टेबल। सो गाइज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9th आपकी स्क्रीन पर। व्हाट वॉज द ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग वाटर, एंड द ऑप्शंस आर ए वेल, बी बावरी, सी रिवर एंड डी ट्यूबवेल। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो अपना आंसर कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी बावरी। सो गाइस बावरी वॉज द ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग वाटर। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हेयर इज द क्वेश्चन नंबर 10th ऑन योर स्क्रीन। वाटर इज क्लोरिनेटेड टू, एंड द ऑप्शंस आर ए किल जर्म्स, बी इंप्रूव इट्स टेस्ट, सी चेंज कलर एंड डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर आता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए किल जर्म्स। सो गाइस वाटर इज क्लोरिनेटेड टू किल जर्म्स। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 11th आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर अफेक्टिंग वाटर टेबल, एंड द ऑप्शंस आर ए इंक्रीज इन पॉपुलेशन, बी स्कैंटी रेनफॉल, सी डिफॉरेस्टेशन एंड डी ऑल ऑफ दीज। सो गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ऑल ऑफ दीज। सो गाइज ऑल दीज ऑप्शंस विच आर इंक्रीज इन पॉपुलेशन, स्कैंटी रेनफॉल एंड डिफॉरेस्टेशन आर अफेक्टिंग वाटर टेबल। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 12th ऑन योर स्क्रीन। द एब्सेंस ऑफ रेन्स रिजल्ट्स इन, एंड द ऑप्शंस आर ए फ्लड, बी अर्थक्वेक, सी ड्रॉट एंड डी सुनामी।
तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, ड्रॉट। सो गाइस द एब्सेंस ऑफ रेन्स रिजल्ट्स इन ड्रॉट। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 13th ऑन योर स्क्रीन। नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स गिव आउट वाटर वेपर्स फ्रॉम देयर लीव्स एंड ऑप्शंस आर ए कंडेंसेशन, बी इवेपोरेशन, सी प्रेसिपिटेशन एंड डी ट्रांसपिरेशन। सो गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइज, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ट्रांसपिरेशन। सो गाइज ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स गिव आउट वाटर वेपर फ्रॉम देयर लीव्स। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 14th ऑन योर स्क्रीन। इन विच सीजन वाटर स्कैर्सिटी इज मोस्ट एक्यूट एंड द ऑप्शंस आर ए विंटर, बी समर, सी रेनी एंड डी ऑटम। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर आता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं किसका सही आंसर क्या है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी समर। सो गाइस द वाटर स्कैर्सिटी इज मोस्ट एक्यूट इन समर सीजन। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने बोनस क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द बोनस क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। एज अ नेचुरल रिसोर्स ग्राउंड वाटर इज एंड द ऑप्शंस आर ए रिन्यूएबल एंड इनएग्जॉस्टिबल, बी रिन्यूएबल एंड एग्जॉस्टिबल, सी नॉन रिन्यूएबल एंड इनएग्जॉस्टिबल एंड डी नॉन रिन्यूएबल एंड एग्जॉस्टिबल। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि बोनस क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको नेक्स्ट 7th की साइंस की वीडियो फॉरेस्ट्स आर लाइफलाइन में मिलेगा। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।